हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें देहरादून में राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने की रणनीति तय की गई। इसी क्रम में नैनीताल की पूर्व विधायक व प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी की जनसभा देहरादून में होनी है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा से लगभग हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहुंचने की उम्मीद है। इसी क्रम में नैनीताल विधानसभा से लगभग 1000 कार्यकर्ता राहुल गांधी की रैली में जाएंगे। साथ ही भाजपा से कांग्रेस में आए निवर्तमान विधायक संजीव आर्य ने कहा कि राहुल गांधी का उत्तराखंड से अटूट प्रेम है। बैठक के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में बहुत बातें कही, पर बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई की कोई बात नहीं की। और युवाओं को है, चाहे किसानों को है, कि हम महंगाई को कम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उस पर खरा नहीं उतरी। युवाओं को भी ना रोज़गार नहीं मिला, ना जनता की ही सुधली। आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। इसी को देखते हुए 16 तारीख को जिस तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश पर विजय पाई थी, तो हम आज सैनिक सम्मान के रूप में 16 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की रैली है देहरादून में, उसको सैनिक सम्मान के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। और उसी रैली से हम लोगों का आने वाला 2022 का आगाज भी हुआ, और 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता के जितने भी वादे हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा किए गए हैं, और आने वाले चुनाव में भी हम लोग जनता उसी को लेकर जाएगी और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी। हम सभी जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग जनता के बीच में 2022 के चुनाव में हम लोग जाएंगे। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।